दोस्तों, कौन कहता है बॉडी बिल्डिंग सिर्फ पुरुषों के लिए होती है और बॉडी बिल्डर महिलाएं अट्रैक्टिव नहीं होती हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाए हैं एक ऐसी जबरदस्त और धाकड़ फीमेल बॉडी बिल्डर की कहानी, जिनकी बॉडी इतनी जबरदस्त है कि बड़े बड़े मेल बॉडी बिल्डर भी शर्मा जाएं। वहीं वो इतनी अट्रैक्टिव है कि हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाए हैं 6 बार लगातार मिस ओलंपिया रही और महानतम फीमेल बॉडी बिल्डर में से एक कोरी एवर्सन की कहानी। 4 जनवरी 1958 को जन्मी कोरी एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर और फिल्म एक्ट्रेस हैं। कोरी का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कोरी एक प्राकृतिक खिलाड़ी हैं। वो जिमनास्टिक, ट्रैक एंड फील्ड और बैडमिंटन की जबरदस्त प्लेयर रहीं। कोरी एवर्सन खेलों में कितनी बेहतरीन थी, ये बताने के लिए सिर्फ इतना ही बताना काफी है कि उन्होंने अपने स्कूल में लगभग हर खेल में सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। कॉलेज में भी कोरी की गिनती सबसे बेहतरीन एथलीट के रूप में होती थी। और फिर अपनी फिटनेस मेंटेन रखने के लिए उन्होंने जिम ज्वाइन किया और यहीं से उनके बॉडी बिल्डर बनने की शुरुआत हो गई। कॉलेज के बाद कोरी ने बॉडी बिल्डिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था और जल्दी उन्होंने दमदार बॉडी बना ली थी। वर्ष 1980 में कोरी ने माइल्ड अमरीका बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और वहां वो पहले स्थान पर आई। पर वर्ष 1981 में IFBB नॉर्थ अमेरिका बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के दौरान कोरी चोटिल हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। यह चोट इतनी खतरनाक थी कि लगा शायद कोरी का कैरियर यहीं खत्म हो जाएगा, पर कोरी ने ठान लिया था कि वो दोबारा स्टेज पर वापस लौटेंगी और फीमेल बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में एक बड़ा नाम बनेंगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने और चोट से उबरने के बाद कोरी ने दोबारा जिम ज्वाइन किया और अगले 3 सालों में उन्होंने 13 बड़े शो में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से उन्होंने 8 में दमदार जीत हासिल की। पर अभी उनका बेस्ट आना बाकी था और वर्ष 1984 में कोरी ने NPC नेशनल में दमदार जीत हासिल की और अब वो मिस ओलंपिया में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड हो गई थी। और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। कोरी ने ना सिर्फ उस साल बल्कि आने वाले सभी 6 सालों में लगातार मिस ओलंपिया में दमदार जीत हासिल की। कोरी एवर्सन अकेली ऐसी बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने कभी मिस ओलंपिया में मात नहीं खाई। और उसके बाद वर्ष 1999 में कोरी IFBB हॉल ऑफ फेम भी बनी और वर्ष 2007 में उन्हें आर्नोल्ड क्लासिक में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। यहां हम बता दें कि वह अकेली महिला है जिन्हें यह अवार्ड मिला है। कोरी ने फिल्म और टीवी एक्ट्रेस के रूप में भी काफी काम किया है। दोस्तों, कोरी एवर्सन अपने वक्त से काफी आगे रही और उन्होंने अपने आने वाले वर्षों में काफी सारी महिलाओं को बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया। कोरी आज भी बहुत सी बड़ी और नामी फीमेल बॉडी बिल्डर्स की प्रेरणा स्रोत रहे हैं। दोस्तों, ये थी कोरी एवर्सन की दमदार कहानी।